ये जो बुक आप देख रहे हैं एस एल लोनी प्लेन ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री को चाहने वाले इस बुक को ना जानते हो ऐसा नहीं हो सकता बहुत सारे कमेंट्स में स्टूडेंट लिख रहे थे कि बताइए ट्रिग्नोमेट्री की सबसे अच्छी किताब कौन सी है और यह भी कह रहे थे कि बताइए एस एल लोनी कैसी बुक है तो मुझे लगा एस एल लोनी बुक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही बना देनी चाहिए मेरे हाथ में दो किताबें आप देख सकते हो ये बुक मैंने खरीदी थी आई थिंक सिक्सटीन सेवनटीन ईयर्स पहले तो ये मेरी किताब बहुत पुराने किताब है इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है एस एल लोनी है पहले एस एल लोनी देखो इस छोटी सी किताब को बोलते थे एस एल लोनी की किताब ठीक है इसके बेचारी के कुछ कवर पेज भी जो हैं उड़ चुके हैं तो मैंने बड़ी संभाल के टेप वेप लगा के रखी हुई है है ना अरिहंत पब्लिकेशन के साथ भी एस एल लोनी की बुक ये अभी आने लग गई है तो मेरे पास ये एक नया इसका कॉपी भी है ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये वाली कॉपी तो जो मैंने 16-17 साल पहले खरीदी थी तो देखिए इसके जो पेजेस हैं बेचारे उनके अक्षर भी उड़ चुके हैं <laughs> लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको प्रिजर्व करके रखूँ <laughs> जब आ, मैं बोर हो रहा होता हूँ या आ, 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 थोड़ा परेशान होता हूँ तो मैं इस बुक को उठा लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री को जब देखने का मन करता तो इस बुक के पन्ने पलट लेता हूँ मैंने पूरी बुक सॉल्व की थी अपने टाइम पे और उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स में इसके सवाल कर चुका हूँ और ये ये किताब फेमस क्यों हुई थी मैं इसका इतिहास भी आपको बताता हूँ खैर अभी जो मार्केट में आप जाएंगे तो आपको ये अरिहंत वाला जो वर्जन है एस एल का ये मिलेगा ठीक है ये ज़्यादा मिलेगा तो ये किताब फेमस कैसे हुई थी मैं इसकी एक कहानी भी आपको सुनाता हूं आ, उसके बाद फिर मैं हर चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए क्या एस एल लोनी की बुक सफिशियंट है क्या किस एक्सरसाइज में किस टॉपिक पे सवाल लिखे हैं डिटेल में इस बुक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज तो आ, सबसे पहले बताता हूँ आपको कि ये बुक जो है फेमस कैसे हुई थी हुआ कुछ यूं था कि आ, कोटा में बंसल सर मैथ्स पढ़ाते थे आई टी जेई का पेपर हुआ करता था तो मैंने जितना सुना है जाना है उस बेस पे तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो बुक है इस बुक से IIT के पेपर में डायरेक्ट सवाल आए थे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन जमानों में बंसल सर भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए एस एल लोनी की बुक से प्रैक्टिस कराया करते थे तो बंसल सर की इस इंट्यूशन को समझिए आप कि जिस बुक से वो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कराते थे और आईआईटी आई जे के पेपर में जो सवाल आए वो सवाल यार बिल्कुल एकदम मैच कर गए तो बंसल सर जाने जाते थे अपने मटेरियल की वजह से अपने मैथ्स की स्किल्स की वजह से अपनी टीचिंग की वजह से मतलब वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और मैथमेटिक्स में वो बहुत ही आ, वो क्वेश्चन करवाते थे जिनकी टेंडेंसी एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा हो उनके नोट्स के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्ट बिना डेटा चेंज किए हुए आईआईटी के पेपर में पूछे गए हैं ऐसे बहुत सारे किस्सों को ऐसे बहुत सारे सवालों को मैं जानता हूं, जो बंसल सर के नोट्स में थे और आई वालों ने उसको पूछ लिया और कुछ सवालों का डिस्कशन कभी आने वाले वीडियोज में करेंगे आज तो अपन ट्रिग्नोमेट्री की सेसलोनी से किताब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो फेमस हुई थी ये कोटा से और मुझे लगता है कि बंसल सर को आ, काफी बड़ा इसका श्रेय जाता है इंडिया में ये किताब फेमस करवाने के लिए आई आई टी जी एडवांस वाले उस समय तो एग्जाम आई टी जेई के नाम से ही जाना जाता था उन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछे इसमें से और एक बार नहीं कई बार सवाल पूछे कई बार सवाल पूछे एक क्वेश्चन तो अभी कुछ साल पहले ही पूछा तब मुझे भी इस किताब की इंपोर्टेंस समझ में आई आजकल तो इस किताब के जितने भी सवाल हैं वो बाकी सारी बुक्स में भी आ चुके हैं किसी में कुछ सवाल हैं किसी में कुछ सवाल हैं लोगों ने इस किताब के सवालों को निकाल करके अपनी शीट्स बना ली हैं डीपीपीज बना लिए हैं उस समय पे तो इतनी शीट्स नहीं हुआ करती थी डीपीपीज नहीं हुआ करते थे इतने कोचिंग के मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ करते थे तो उन जमानों में लोग डायरेक्ट इस किताब को ही इस बुक से ही ट्रिग्नोमेट्री की जो अपनी बेसिक प्रैक्टिस है वो कर लिया करते थे और अच्छी प्रैक्टिस इससे हो भी जाती है तो हम आज एक्सरसाइज वाइज बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं कि कि किस किस एक्सरसाइज को करना है, को करना है, है, है। किसको नहीं चैप्टर में क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस बुक के अंदर टोटल 21 चैप्टर्स हैं। हैं आप देख सकते हैं, मैंने ट्वेंटी तो में कुछ एक्सरसाइज है तो यहां पे जो चैप्टर वन है उसमें फोर एक्सरसाइज हैं और ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है मैं बिल्कुल एकदम बुक खोल के और हर एक्सरसाइज का आपको बताऊंगा किस एक्सरसाइज में क्या है कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए कौन सी बहुत फास्ट करनी चाहिए कि इस आपको समय लगाना चाहिए तो यहाँ पे ये जो पहली फोर एक्सरसाइज हैं ये मैं बिल्कुल एकदम आपके सामने ये बुक खोल रहा हूँ और आपके सामने ये देख पा रहा हूँ फर्स्ट फोर एक्सरसाइज हैं, दीज एक्सरसाइज आर वेरी बेसिक एक्सरसाइज ये बिल्कुल एंगल के ऊपर बेस्ड हैं, वेरी बेसिक एक्सरसाइज सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक हैं, वेरी बेसिक बेस्ड ऑन लाइक द सिंपल थिंग्स अबाउट द एंगल जो एंगल का मेजरमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है तो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज हैं चारों की चारों एक्सरसाइज आप एक घंटा लगा के डेढ़ घंटा लगा करके निपटा लेनी चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक आती है तो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अगर आप इलेवंथ क्लास में आए ही हैं मैं तो कहूंगा टेंथ क्लास में भी अगर स्टूडेंट्स हैं ये एक्सरसाइज टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है इलेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेटर की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी एक्सरसाइज है तो ये बिल्कुल बेसिक एंगल के ऊपर बनी हुई एक्सरसाइज है अब बात करते हैं फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ एक्सरसाइज ये बेसिक साइन थीटा कोर्स थीटा टेंथ थीटा कोड थीटा की बिल्कुल एकदम जब डेफिनेशन अपन करते हैं बहुत ही आ, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं और क्लास टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाइन टेंथ के स्टूडेंट अगर ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आ, बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है आप ये मान लो कि नाइन टेंथ के स्टूडेंट्स को जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है जो सिंपल आइडेंटिटीज सिखाई जाती हैं साइंस स्क्वर थी प्लस कोर्स स्क्वार थीटा इक्वल टू वन सिकंड स्क्यर थीटा माइनस टेन स्क्वायोर थीटा इक्वल टू वन को सिकेंड स्क्योयर थी माइनस कोर्स स्क्वय थीटा इक्वल टू एंड और भी जो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के उन पे बेस्ड एक्सरसाइज है ये ये मस्ट टू डू एक्सरसाइज है फॉर इलेवंथ क्लास के लिए भी मस्ट फॉर इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो तो इलेवंथ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस इन एक्सरसाइजेस को करें करना चाहिए सीखने के लिए काफी कुछ है और नाइन्थ और टेंथ क्लास के स्टूडेंट अगर इनको सीखते हैं तो अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो लेवल है वो काफी बढ़ा लेंगे मतलब बहुत मजा उनको आएगा है ना आई एम श्योर इन एक्सरसाइजेस में जो सवाल है हर टाइप के सवाल हर तरीके की मेनिकुलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करवाई हुई है जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उन उनपे बेस्ट एक्सरसाइजे हैं ठीक है थीके? अब हम चलते हैं आगे चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर है, है ना हाइट एंड डिस्टेंस के जो अच्छे सवाल हैं वो अगर आपको करने हैं तो इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ये चैप्टर जेई मेंस में तो शुरुआत से ही है जेई एडवांस में नहीं होता था हाँ इस चैप्टर को आप कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल इसमें दिए हुए हैं अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे सवाल नहीं सॉल्व कर रखे अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते तो ये चैप्टर थ्री जो है इसकी एक्सरसाइज नंबर एट जो वो आप कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं चैप्टर नंबर फोर की ठीक है चैप्टर नंबर फोर पे चलते हैं सर ये मैंने खोल लिया चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर में एक्सरसाइज की बात हो रही है ये एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन नंबर फोर से लेकर ट्वेल्व तक कर सकते हैं आप है ना इसकी क्वेश्चन नंबर फोर से लेकर के क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक आपको करने हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ठीक है अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में किसको बोल रहा हूं जो नाइन टेंथ वाली ट्रग्नोमेट्री उसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूं ठीक है जी ओके जी तो इस एक्सरसाइज को भी क्लास टेंथ के नाइन्थ के स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं इसको करके काफी कुछ सीखने को मिलेगा इलेवंथ के लिए जो एक्सरसाइज में लिख रहा हूं ये मस्ट एक्सरसाइजेस है अब चलते हैं आगे आ, नाइन्थ टेंथ और इलेवंथ एक्सरसाइजेस यस वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी नाइन्थ टेंथ Uh, 11th एंड ट्वेल्थ नाइन्थ के बारे में बता चुका हूँ मैं टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ की बात कर लेते हैं जल्दी 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 आ जाइए आ जाइए आ जाइए Yes, हाँ ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक uh, इक्वेशन के ऊपर है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो भी 9th, टेंथ में अपन ने सीखे हैं उनके ऊपर ही हैं यस yes. तो ये वाली एक्सरसाइज भी अपने को करनी है ठीक है ये भी आपकी बेसिक प्रैक्टिस को काफ़ी बेसिक प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करेंगी और ट्रिग्नोमेट्री को सेंस करने में साइन थीटा कोर्स थीटा टेंथ थीटा कोर्ट थीटा सेकेंड थीटा, थीटा, थीटा को सिकेंड थीटा, थीटा को और ज़्यादा फील करने में और ज़्यादा जानने में काफ़ी हेल्प करेंगी तो ये एक्सरसाइज भी अपने को करनी है चैप्टर नंबर सेवन्थ है यहाँ से चालू होते हैं जो हमारे इलेवंथ क्लास के जो नए नए फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं जैसे एक्सपेंशन फॉर्मूला एक्सरसाइज नंबर जो है वो एक्सपेंशन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टींथ सिक्सटींथ ये आपकी इलेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मस्ट एक्सरसाइज हैं मतलब इलेवंथ क्लास में अगर आप हैं तो आपको चैप्टर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर एट अगर आपने कर लिया है चैप्टर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर एट अगर आपने कर लिया है और आप ट्रिग्नोमेट्री की आ, बेसिक प्रैक्टिस अगर फॉर्मूला की जो बेसिक प्रैक्टिस है फॉर्मूला का जो इस्तेमाल कैसे करना है उनके ऊपर आप कमांड कर पाएंगे तो चैप्टर नंबर सेवन एंड चैप्टर नंबर एट जो है वो इलेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनमें से कोई भी एक्सरसाइज जो है मिस ना की जाए यहाँ पे जो सेवंथ चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ये सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के ऊपर बेस्ड है ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है उनके ऊपर बेस्ड है साइन ए प्लस भी साइन ए माइनस भी कोसे प्लस भी कोसे माइनस बी टेन ए प्लस भी टेन ए माइनस बी कोटे प्लस भी कोटे माइनस बी की जो फॉर्मला है उनके ऊपर बेस्ड मिलेंगी और आपको और तरह तरह के इनमें सवाल है काफी सारे सवाल हैं आप कर लोगे तो आपकी एक बेसिक प्रैक्टिस एक मस्त प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इनिशियल प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी चैप्टर नंबर एट में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स मैं एक बार खोल लेता हूं चैप्टर एंगल्टर एट यस मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारी एक्सरसाइज एकदम काम की हैं सारे सवाल आपको निपटा देने हैं आई होप आप इनको कर लेंगे निपटा लेंगे अब मूव करते हैं आगे चैप्टर नंबर नाइन में चैप्टर नंबर नाइन में चले 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 चैप्टर नाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नाइन में है चैप्टर नाइन में है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री के सवाल चैप्टर नाइन में कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कुछ कंडीशन दी हुई होती है और फिर सवाल पूछा गया है तो ये कंडीशनल ट्रिगो के सवाल हैं जेई के सिलेबस में हैं आपको करने हैं चैप्टर नाइन भी आपको करना है चैप्टर में ये तीन हैं तीनों तीनों की एक्सरसाइज आप कर लीजिए तीन एक्सरसाइज में क्या यहाँ पे डिफरेंस है आपको बता देता हूँ ये जो एक्सरसाइज है ये कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की एक्सरसाइज है ठीक है और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आ, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की एक्सरसाइज है ठीक है ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई सारी बातें जो हैं उसकी इस्तेमाल होती हैं जेई के सवालों में तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट ये दो एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है लोग दिया चैप्टर टेन में अपने किसी काम का नहीं है इस किताब से अपने को लोग नहीं पढ़ना है आउट ऑफ सिलेबस चीजें काफी देर रखी हैं टेबल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लोग टेबल चैप्टर इलेवंथ में अपने किसी काम के नहीं है चैप्टर दस और चैप्टर ग्यारह काट दीजिए अपने को बिल्कुल भी नहीं करना अब बात करते हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व की चैप्टर नंबर ट्वेल्व से चालू होता है ट्रिग्नोमेट्री का एक नया अध्याय मेरे दोस्तों चैप्टर नंबर नाइन तक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं वो खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर वन से लेकर के चैप्टर नाइन तक आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हो जाता है कंप्लीट एक और एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है जिसमें चैप्टर नंबर नाइनटीन है ना चैप्टर नंबर नाइनटीन करना है आपको नाइन चैप्टर्स के बाद ठीक है ना अगर आपने यहाँ तक कर लिया यहाँ तक आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है कहाँ तक चैप्टर नाइन तक कंप्लीट हो जाता है है ना टेन इलेवन तो अपने को छेड़ना ही नहीं इसके बाद चैप्टर नाइनटीन आपको करना है क्या करना है चैप्टर नाइनटीन है ना यहाँ बता दूँ आपको चैप्टर सेवेंटीन जो है ये अपने सिलेबस में नहीं है और चैप्टर ट्वेंटी अपने सिलेबस में नहीं है चैप्टर 17 चैप्टर 21 अपने सिलेबस में नहीं है हाँ, चैप्टर 21 चैप्टर uh, 20 भी करना है अपने को चैप्टर 20 एलिमिनेशन है एलिमिनेशन ट्रिग्नोमेट्री uh, के सवालों में एलिमिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थीटा को एलिमिनेट करना या किसी और एंगल को एलिमिनेट करना इस तरीके का जिक्र कई सवालों में डायरेक्टली या बड़े बड़े सवालों में बीच के स्टेप्स में किया जाता है तो एलिमिनेशन को हमें करना आना चाहिए एलिमिनेशन पे बेस्ड काफी सवाल बनते हैं तो आफ्टर चैप्टर नंबर नाइन आफ्टर चैप्टर नंबर नाइन हमें चैप्टर नंबर नाइनटीन और चैप्टर नंबर ट्वेंटी हमें करना है ये बात समझ में आ गई चैप्टर एटीन बता दूँ ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पे बेस्ड है मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई जिसको बोलते हैं ये क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए है ये क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स है, जो हैं जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पढ़ते हैं तब इस चैप्टर को वो कर सकते हैं आपको बता दूं इस चैप्टर में से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट जई एडवांस के पेपर में आए हैं कुछ सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट जई मेंस के पेपर में आए हैं ये चैप्टर के जो सवाल हैं बड़े प्यारे बड़े चुनिंदा सवाल हैं क्लास ट्वेल्थ की जो इनवर्स डिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो वो इस चैप्टर के सवालों को कर लें आपको कुछ और बातें बता देता हूं इस चैप्टर के कुछ सवाल एनसीआर वालों ने अपनी एनसीआर टी के एक्सरसाइज में डाले हुए हैं कुछ सवाल एग्जाम्पल में मिलेंगे कुछ सवाल अलग अलग इंस्टीट्यूट के शीट्स या मटीरियल में मिलेंगे तो ये जो तो लोनी की जो बुक का चैप्टर है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अलग अलग इंस्टीट्यूट ने सबने कॉपी कर रखा है आप अगर कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मजा आ गया और आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का और मटीरियल भी कर लोगे तो भी आप यह समझ लो आपने चैप्टर लोगों कर लिया है तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पूरा मटीरियल करते हो तो इस चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है या इनवर्स इग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी अच्छी बुक का सारा सवाल सोल्व करते हो तो भी चैप्टर करने की जरूरत नहीं है अगर आपने इनवर्स इग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना चालू कर दिया आपने सारी थ्योरी फिनिश कर ली आपने एनसीआर टी कर ली उसके बाद इसको करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है ये सब कुछ कवर नहीं करता फंक्शन में के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसको करने के बाद और सवाल भी आपको करने पड़ेंगे मगर हाँ इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट जेई में पूछे गए हैं क्या पता एक आध बार और पूछा जाए ठीक है करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है तो हमने ये बात कर ली अब बात करते हैं हमारे कुछ चैप्टर्स और बच गए ठीक है हाँ ये सारी बातें हो गई

ट्वेल्व थर्टीन ठीक है ना चैप्टर ट्वेल्व थर्टीन सोल्यूशन ऑफ ट्रैगल है मतलब इसमें जो ट्रैगल है उससे रिलेटेड साइन लो कोसाइन लो है ना और उनसे रिलेटेड बातें जो है कर रखी हैं तो चैप्टर ट्वेल्व एंड थर्टीन ये सोल्यूशन ऑफ ट्राएंगल पे हैं ठीक है थीके? हमारे सिलेबस में पोलीगन्स एंड कोड्रीलेटर्ल्स के भी कुछ पोर्शन है मतलब पोलिगन रेगुलर पोलीगन के बारे में आपको जान जानना चाहिए रेगुलर पोलीगन के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हैं तो चैप्टर फिफ्टीन और सिक्सटीन जो है एक बार मैं निकाल लेता हूँ चैप्टर फिफ्टीन का जो नाम है वो बता दू आपको चैप्टर फिफ्टीन का नाम है अच्छा ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है ना इसमें हाँ ये फिफ्टीन और सिक्सटीन के अंदर आ, सवाल है कोड्री ऊपर बेस्ड पोलिगंस के ऊपर बेस्ड कहाँ गए भाई निकलो 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 है ना पोलिगन्स एंड कोड्री लेटर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैं जो अपने को नहीं करने है ना तो यहां बता दू आपको मैं आ, आ, 15, 16 में जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से 20 तक कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 टू 20 इसमें क्वेश्चन नंबर 4 टू 20 करना है आपको है ना इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है इनके एग्जाम्पल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल्स भी आप कर लेना ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसको काट दें आप ये आपको करने की जरूरत नहीं है इससे पहले वाली है ना ये चैप्टर 16 के चैप्टर हैं दोनों ये तीन 15 में है इससे पहले हमारी एक्सरसाइज ये है ये देखो ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का बिल्कुल एडवांस एक्सरसाइज है ठीक है ना ऑप्शनल है करना चाहो तो कर सकते हो ये ऑप्शनल है जो एडवांस के लिए बहुत सीरियस प्रिपरेशन करते हैं और चैलेंज लेना पसंद है ट्रिग्नोमेट्री में है ना कि चलो हम फाइट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सवालों के साथ वो इसको कर सकते हैं अच्छा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री यहां पे सीखने को मिलेगा ठीक है ना है ना यहाँ पे ये ये बिल्कुल एडवांस वाली है मतलब अच्छा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री यहाँ पे सीखने को मिलेगा है ना इस एक्सरसाइज के बारे में आप नोट कर लें जादू एक्सरसाइज है ठीक है बाकी ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है ठीक है ये दोनों आपको करनी है ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का काफी कुछ पोर्शन इसके अंदर भी है ठीक है ना सोल्यूशन ट्राइंगल यहाँ इन चैप्टर्स में भी है और इन चैप्टर्स में भी है ठीक है जी ओके जी अब कुछ और बातें भी मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज लिखी है एक मिनट फिफ्टीन चैप्टर बता दिया मैंने आपको फोर्टीन करना नहीं है आपको हाँ जी हाँ यहां, यहां पे मेरे को ये ये मेंशन करना था कि चैप्टर थर्टीन में ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है इसके बाद जो ट्रिपल एक्स एक्सरसाइज है ट्रिपल एक्स करने की कोई जरूरत नहीं है आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको ठीक है ना ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी और इसके बाद वाली एक्सरसाइज है उसको भी देख लेते हैं अपन इसके बाद वाली एक्सरसाइज जो है वो भी हमें नहीं करनी है इसके बाद वाली एक्सरसाइज भी हमको नहीं करनी है

इसको प्लेन ट्रिग्नोमेट्री इसलिए बोलते हैं आपने कभी सोचा हो ट्रिग्नोमेट्री की जगह यहां? देखो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री लिखा कितनी प्यारी किताब है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये प्लेन प्लेन एंगल 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 पे बेस्ड है आपने सीखा होगा कि एंगल, होता है सोलिड एंगल होता है और भी नॉन प्लेनर एंगल्स भी होते हैं ठीक है ठीके? तो वो हमारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं है हमारे सिलेबस में प्लेन एंगल और उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है तो इस बुक में प्लेन एंगल और प्लेन एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का ही जिक्र किया गया है तो जेई सिलेबस की बात करें है ना जई सिलेबस की बात करें ट्वेल्थ के बाद जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप दे, देते हो उनमें चार पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ के ऊपर चैप्टर 18 बेस्ड है सॉल्यूशन ऑफ के ऊपर चैप्टर 12 13 बेस्ड है 15 16 में भी चैप्टर 15 बेस्ड है और चैप्टर 16 आ, की एक्सरसाइज जो है ये पॉलीगन के ऊपर बेस्ड है तो ये हो गई कहानी और चैप्टर 1 से 9 में कौन कौन सी एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है एंड क्या क्या आपको करना है वो भी आपको बता दिया ये जो बुक है इस बुक को क्लास नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में रखें आपको अच्छा लगेगा एलेवेंथ ट्वेल्थ में मैथ्स अगर आपको आगे जाके पढ़ना है तो इसकी एक्सरसाइजिज़ कुछ करने चालू कर सकते हैं आपको स्पेशली ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए अगर आप नाइन टेंथ में हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे मज़ा आएगा हाइट एंड डिस्टेंस आपके एन में भी है अगर आप एटथ एक्सरसाइज करेंगे तो बड़ा चैलेंज फील होगा बहुत मज़ा आएगा आपको एंड येस yes, इसके फोर से ट्वेल्व सवाल करने हैं और ये एक्सरसाइज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आप बेताज बादशाह ट्रिग्नोमेट्री के बन जाएंगे अगर आप नाइन टेंथ के स्टूडेंट्स हैं तो और क्लास इलेवन्थ के स्टूडेंट्स को एकदम बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री चालू करनी चाहिए और मैंने बता दिया वो यहाँ से चालू करें एंड एकदम एंड तक लेकर के जाएँ चार फेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिनमें से चैप्टर वन से नाइन तक का जो चैप्टर्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के दो फेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और पहले आपको ये दो फेज़ करने की ही कोशिश करनी चाहिए ये अगर आपकी मुठ्ठी में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में है तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ठीक है अब सवाल ये उठता है कि क्या है क्या लोनी लोनी है है देखिए जो बुक है, ये बेसिक एंड मीडियम लेवल की प्रैक्टिस करवा देती है अगर आप बात करें जे एडवांस की अगर आप जे एडवांस की बात करते हैं जे एडवांस की बात करते हैं तो हमें और प्रैक्टिस करनी होगी सिर्फ लोनी से काम नहीं चलेगा जी एडवांस के लिए यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस फॉर जी एडवांस्ड एज फार इज कंसर्न ठीक है ना तो जी एडवांस के लिए आप इसको सफिशियंट ना माने मैं इसको सफिशियंट नहीं मानता हूं जी एडवांस के लिए यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस एक बात और बता दूं आपको यहां पे मैंने मेंशन किया है ना ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हाँ चैप्टर नाइन हा इसके बारे में बता दिया मैंने चैप्टर नाइन ट्वेंटी हाँ चैप्टर नाइनटीन ट्वेंटी भी चैप्टर नाइन के बाद आपको करने हैं है ना तो ये यहीं पे लिखना है ना चैप्टर ट्वेंटी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेश के ऊपर बेस्ड है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्पेशली नाइनटीन एंड ट्वेंटी ठीक है ना वो मैं यहाँ पे मिस कर गया था लिखना लिख दिया मैंने ठीक है तो आई होप आपको ये बुक का रिव्यू आ, बेनिफिट देगा अगर आपको ऐसा लोनी बुक करनी है तो ठीक है इस तरीके से अगर आप बुक्स के रिव्यूज़ चाहते हैं कि मैं करूं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आप किसी पर्टिकुलर बुक का अगर रिव्यू चाहते हैं तो आप अच्छे से लेबोरेट करके कमेंट करके लिख दें मैं कोशिश करूंगा कि उन बुक्स के रिव्यूज मैं आपको दूँ ताकि आपके लिए एक बुक का सलेक्शन करना ईज़ी हो जाए और आप भटके ना बहुत सारा मटेरियल नहीं करना होता कुछ चुन के ही चीजें करनी होती हैं तो ठीक है फिर इस सेशन में इतना ही बाय बाय